दिनेश शर्मा। मेरे परम आदरणीय गांव कटेसरा की सरदारी, आज चुनाव का आखिरी अंतिम चरण आ गया है। पहले मैं आपके पूरी बस्ती का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पैसे से और मेरे मनोबल बढ़ाने का जो काम किया है। मेरा परिवार सदा आपका ऋणी रहेगा और मैं इस एहसान को कैसे उतारूंगा। सरदारो, मुझे उम्मीद नहीं थी, परंतु आपकी ताकत ने उन लोगों को दिखा दिया है कि कटेसरा भी एक शेर बसता है और ब्राह्मण का वंशज बसता है। ये परशुराम की नाक है और उन लोगों को आज ये पता लग चुका है कि आप कटेसरा को एक नंगरा समझते थे, परंतु ब्रह्मा विष्णु और महेश की सवारी लाकर के तुम्हारे नाकों में चना चबा दिया है। भाइयों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम परशुराम वंशज हैं, कौशिक ऋषि की औलाद हैं। हमने कितनी बार इन क्षत्रियों का विनाश किया है और मैं आज एक बात कहने आया हूं। मैंने अपनी माताओं का इस गांव में बहुत नजदीकी से सम्मान किया है और आपका नहीं, मेरा नहीं, पूरे गांव का सम्मान और पूरे इलाके में आपका डंका बज चुका है जीत का। और आने वाली 27 तारीख को 2 बजे जब आपका कटेसरा गांव का झंडा फहरा करके आएगा और उसके ऊपर खाटू श्याम का झंडा होगा और हारे के सहारे का झंडा होगा। और साथियों, ये घोषणा हो चुकी है मंचों पे, जय श्री करने के बाद 28 तारीख को पूरा गांव खाटू श्याम में चलेगा और उसके दर्शन करके। भाइयों, आपकी इज्जत की लड़ाई हुई है, आप लोगों ने जो मान और सम्मान दिया है गांव के एक एक बच्चा ने, वो सम्मान कटेसरा की नाक की लड़ाई लड़ी है कि जो आपके डर की वजह से वो विरोधी लोग और वो प्रत्याशी घरों में घुस गए हैं कि कटेसरा का पंडित जी जीत गया, ये डंका बच चुका है। और मैं तो आपका बेटा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं आज एक प्रेरणा देना चाहता था। मेरे जाने के बाद, ये जीत के बाद, एक कटेसरा का चाहे SC होगा चाहे BC होगा और वो चुनाव जीत करके आएगा। ये आप लोगों को प्रेरणा मिल रही है, मेरे युवा साथियों को प्रेरणा मिल रही है कि जिस तरीके से हमने ये बड़ा चुनाव लड़ा, ये एक मैसेज चला गया कि आज कटेसरा 100% गांव लग चुका है उसके साथ। ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों की इज्जत की लड़ाई लड़ी है और आप लोगों को पैसे का वो सहयोग मिला है जिसका ऋणी सदा मेरा परिवार रहेगा। और आपका भाई यहीं रुकने का काम नहीं है, मैं एक घोषणा कर रहा हूं कि आप पार्षद तो बन चुके हैं, 2024 के चुनाव की सब तैयारी करें। आपका बेटा आपका बेटा जिस मौसिक गोत्र का वंशज कटेसरा से जाकर के चंडीगढ़ में झंडा लहराएगा, आप याद रखना। और मेरी पीढ़ी आने वाली, मेरी युवा पीढ़ी, आप लोग इन बुजुर्गों से प्रेरणा लें, क्यों, एक दादा की औलाद है और उस औलाद ने आज उस वार्ड नंबर 1 में दिखा दिया कि कटेसरा क्या चीज है और आपका जीत का परचम लहर चुका है। साथियों, अपने जोश को ना खोए, आपके पास एक दिन और है। बच्चे बच्चा उस मेहनत में जिस तरीके से लगा हुआ, मैं किस किस का नाम गिनाऊं, किसी ने गाड़ी की मदद की है, किसी ने पैसे की मदद की है, किसी ने सपोर्ट की मदद की है और सातों जात ने आप लोगों की मदद की है। मैं ब्राह्मण समाज से अपना कहना चाहता हूं कि आप अपना मतदान सोच समझ करके करें और इन भाइयों का साथ दें। मैं आपसे अपील कर रहा हूं,
साथियों मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, रात को 12 बजे तक प्रोग्राम लगे हुए हैं, और जो मेरे युवा साथी जो मेरे साथ टीम काम कर रही है, मैं आप सभी को हार्दिक बधाई दूंगा। और सभी मेरे साथी 28 तारीख को बच्चा बच्चा जितनी बस यहां होंगी सब जीत के बाद खाटू श्याम में पतंगा लहराने का काम कर। एक बात का मैं वायदा करके कर रहा हूं आपसे कि आपका बेटा आपका भतीजा आपकी इज्जत को नहीं गिरने देगा, और अगर कहीं किसी भाई का रिश्तेदार की और सबकी मदद इसमें मिली है कि जिसकी भी जिसको रात को 12 बजे हमारे समर्थक को जरूरत होगी, आपने जिन लोगों को भरोसा दिया है ये बेटा आपका रात के 12 बजे आपके समर्थक के पास पहुंचेगा और उसकी मदद करेगा। उनको भरोसे से कह देना कि ये कटेसरा कौशिक गोत्र का वंशज है, आपके लिए जहां आपका पसीना गिरेगा वहां आपके खून बहाने का काम करेगा। और उन लोगों को ताकत की पता चल चुकी है, ये CID रिपोर्ट आ चुकी है कि हरियाणा में अगर वार्ड नंबर 1 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दिनेश शर्मा की सबसे बड़ी जीत होकर के जा रही है ये। तो साथियों मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ बस मैं इतना कहूंगा कि मेरा परिवार, मेरा कुनबा और मेरा घर, आज कुनबा नहीं मैं पूरे गांव का हूं, और जो मुझे सम्मान इस परिवार ने जो दिया है, जिस परिवार में मैं खड़ा हूं, हम सब की एक ड्यूटी बनती है कि कभी इनका मौका होगा आएगा तो हम एहसान को उतारने के, इनके ऋण को उतारने का काम करेंगे। साथियों मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और मेरी जीत में एक बात भूल गया कि मांदकोल गांव में जब मेरे गुरुजी मेरे पुरोहित ने, दादा नवला मेरे पुरोहित हैं, जब उनकी पोती ने मुझे राज तिलक लगा करके ये कह दिया था कि भैया तू जा और विजयश्री अवश्य होगी, और वो मुझे उनका आशीर्वाद मिल चुका है, मेरे माथे पर तिलक लग चुका है जीत का, इसलिए आपकी जीत निश्चित होगी, ये भरोसा रखें और जोश होश को नहीं खोए, और अपने जोश से एक दिन और लगे, दो दिन आपको और मिल रहे हैं, और इसी तरीके से आप युवा साथी काम करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय परशुराम, बोल बस्सी माता की जय। राम राम। चुनाव प्रचार का आज दिन खत्म हो गया है, कल कत्ल की रात है और परसों मतदान है, 22 तारीख का दिन आने वाला है। दिनेश कटेसरा आज अपने गांव कटेसरा में मौजूद है, रात का वक्त है, बसपा के प्रत्याशी है वार्ड नंबर 1 से। दिनेश जी चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो गया आज शाम को, कल कत्ल की रात है, परसों मतदान है, कैसे रहेगी? पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग गांव गांव जाकर के हर प्रत्याशी की बाइट ले रहे हैं, मतदाताओं की बाइट ले रहे हैं, मैं आपके चैनल को ये धन्यवाद करूंगा। और रही चुनाव की बात कि 5 बजे चुनाव बंद हो गया है, आज मैं अपनी बस्ती में आया हूं, अपने खेरे जन्मभूमि में आया हूं, मेरी माताओं और बहनों ने, सातों बरादरियों ने मुझे जन अपार समर्थन दिया है और मुझे प्यार दिया है, एक बच्चे की तरह मेरी बस्ती ने मुझे प्यार दिया है, ये मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ। मैं सभी अपने गांव वासियों का, अपने वार्ड की जनता का मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं कि उन लोगों ने मुझे जन समर्थन और प्यार जो मुझे मिला है, मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा। कल जो कत्ल की रात है, कहते हैं कि चुनाव से एक दिन पहले कत्ल की रात होती है, शराब भी बढ़ती है, पैसे भी बढ़ते हैं, लोचा बहुत हो जाता है, कैसे निपटोगे? बटानी जी मैं एक बात बता दूं आपके चैनल पे कि एक प्रत्याशी को पतंग का जो निशान मिला था वो राष्ट्रीय तिरंगा का अपमान हुआ, संविधान में उसने अपनी पतंग के निशान पर चक्र बना हुआ है, उन लोगों को सरकार के आदमी को, हमारे भारत सरकार के मंत्री का उन लोगों ने फोटो लगा करके जो ये प्रचार किया है, जो तिरंगे का अपमान किया है, उसकी निर्वाचन आयोग को मैं लिख रहा हूं और उसकी शिकायत कर रहा हूं कि इस तरीके के धन और बल का जो वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, परंतु मेरी वार्ड नंबर की जनता ने उस सबको नकार दिया है, और कोई
कोई भी आदमी उनके बोतल अद्धा और कौवा में बिकने वाला नहीं है। वार्ड नंबर एक का मतदाता जागरूक हो गया और दिनेश शर्मा को हाथी के बटन पर किस प्रकार की शिकायत कर रहे हैं आप चुनाव आयोग? मैं चुनाव आयोग को आपने देखा नहीं है, आप जाकर के उनके जो होल्डिंग्स लगे हुए हैं पतंग के निशान पर तिरंगा बना हुआ है, बीच में हमारा अशोक चक्र बना हुआ है और उसका अपमान हो रहा है, इसलिए मैं आप पत्रकार बंधुओं से कहता हूं कि आप उनको देखें और उसी चुनाव चिन्ह पर हमारे भारत सरकार के मंत्री का भी उन लोगों ने फोटो लगा रखा है, इसलिए उनके खिलाफ चुनाव आयोग में लिखा है कि ये हमारे तिरंगे का अपमान है। हाँ, चुनाव लड़िए, निशान से लड़िए, ये देश के संविधान सबको मिला है, संविधान में लिखा है, उस तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए जिस तिरंगे का अपमान उस पर हो रहा है निशान पर। चलिए, तो अलग बात हो गई। 22 तारीख को मतदान है, तो कितने बूथ हैं आपके वार्ड में और वार्ड के मतदाता हैं उनको निकालने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रबंध किए गए हैं? देखो, हमारी तरफ से तो हाथ जोड़ करके अपील की गई है सभी मतदाताओं से, आप 22 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा निकलें और शांतिपूर्ण निकलें। वैसे हमारा क्षेत्र कोई इस टाइप की वो नहीं है, यहाँ तो कोई जाति का पार्टी का कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, एक नारा जरूर आया भटानी जी कि अब की बार जनता का जो मेरे साथी और मेरे जो युवा नौजवान मेरे लगे हुए गांव के, उन्होंने एक मैसेज जरूर दिया है कि भैया अब की बार ना जाति पे ना पार्टी पे और मोहर लगेगी हाथी पे। आपने अपनी स्पीच में भाषण में नरसंहार की बात की, छतरी का नरसंहार किया है, वजह क्या है कि आज ये नौबत क्यों आ रही है आपको ये बात कहने की? मैं जब चुनाव में जा रहा हूं तो उन लोगों की धमकियां इस टाइप के, क्यों कि ब्राह्मण एक हर बुक्स में आपने पढ़ा होगा एक गरीब ब्राह्मण रहता था। मैं उनको यह संदेश देना चाहता हूं कि ब्राह्मण ब्रह्म का ज्ञानी है और आज उसी के चुनाव चिन्ह पे ब्रह्मा और विष्णु और महेश के चिन्ह पे वो लड़ रहा है और वो चिंगार रहा है। आप बार बार कहते हैं कि आप हटिए, दिनेश शर्मा 22 तारीख को हाथी के बटन पर मोहर लगाकर विजयी होने जा रहे हैं। दिनेश शर्मा प्रत्याशी ने पहले हाथी का सहारा लिया, अब खाटू श्याम का सहारा लेने, वजह क्या है इसकी? वो मेरा कुलदेवता है, कुलदेवता को जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होगा अपने बुजुर्गों का सम्मान करेगा, अपने कुलदेवता का सम्मान करेगा, अपनी गांव की खेरा देवित का सम्मान करेगा और अपनी बस्ती का सम्मान करेगा और उसको हर समय अपने उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए और उन वो हमारा एक पूजनीय, हमारा कुल देवता है, इसलिए मैंने उनको याद किया है। अच्छा, नंबर 1 पर आप खुद को ला रहे हैं, नंबर 2 पे किसको ला रहे हैं, 3 पर किसको ला रहे हैं, 4 पे किसको ला रहे हैं? भटानी जी, मैंने कहा ना, मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं है। आप 27 तारीख को 2 बजे देख लेना कि पंडित दिनेश शर्मा कटेसरा वाले की एक तरफा जीत होने जा रही है, मेरी कोई उसमें। तो ये थे हमारे बीच में दिनेश शर्मा, BSP कैंडिडेट है, वार्ड नंबर 1 जिला परिषद पलवल से जीत का दावा किया है। रह रहे कि आप नारे लग रहे हैं, गला भी इनका सूख रहा है बोलते बोलते, क्योंकि कहीं ठंडा पे तो कहीं फल, कभी फ्रूट, कहीं खाने पीने की बहुत आइटमें मिल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।